परमार पर जसतम चौराहे पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को लगाए तिलक और वितरित किया प्रसाद। जसतम चौराहे पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा हिंदू नववर्ष पर गुड़ी पड़वा के मौके पर लोगों को टीके लगाए गए, साथ ही प्रसाद का वितरण भी किया गया और गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं भी दी गई। सभी हमारे अमित शर्मा भाई, अमित शर्मा जी, संजीव भैया की ओर से आप सभी शहरवासियों का इसका गुड़ी पड़वा एवं संबत्सर पर शहरवासियों को, भारतवासियों को मैं अपनी ओर से पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से वहाँ पर बधाई शुभकामना देता हूँ और ऐसी कामना करता हूँ कि हर भारत का नागरिक इस पर्व को सुख शांति तरीके से मनाए और उनके जीवन में माता रानी के पास एक खुशहाली आए। जो नववर्ष के रूप में हमेशा मनाया जाता है गुड़ी पड़वा का ये पर्व आज कांग्रेस परिवार के द्वारा हर वर्ष मनाया जाता है और ऐसी आशा और शुभकामनाएं दी जाती हैं कि सभी शहरवासी स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। हमारे आदरणीय महाराज सिंधिया जी की ओर से भी हम सभी शहरवासियों को इस पावन पर्व की शुभकामना देते हैं। कांग्रेस परिवार इसको काफ़ी हर्षोल्लास से मनाता है और सभी हिंदू परिवारों को, सभी शहरवासियों को इसकी शुभकामनाएं, भारतवासियों को शुभकामनाएं। ऐसा सभी वर्ग के लोगों में भाईचारा बना रहे और इस नए वर्ष की शुरुआत अच्छे से हो। हिंदू संस्कृति का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। हिंदू संस्कृति का प्रतीक है और हमारे देश की जो भारतीय संस्कृति है उसमें अहम आज से ही हमारा वर्ष प्रारंभ होता है। मैं इस अवसर पर समस्त भारतवासियों को, गुलावासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं और इस वर्ष यही कामना करता हूं आने वाले वर्षों में हमारे यहां शांति रहे और अब भारतीयता और हिंदुत्व की जो भावना है उसके अनुरूप काम ईश्वर की कृपा से होता रहे। इसी भावना के साथ सारे हमारे कांग्रेस परिवार के साथी जो मना रहे हैं